हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है, स्वागत है। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन 4.3। इक्वेटोरियल लाइन पर हमें यानी कि आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बेहद आसान है। यानी ये देखिए, ए वी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए वी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट्स मिड पॉइंट ओ, सेपरेशन डिस्टेंस टू एल, दैट मीन्स दैट इज एल एंड दैट इज एल, परपेंडिकुलर लाइन टू द डाइपोल, परपेंडिकुलर लाइन टू द डाइपोल, इट इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन, हेयर पी इज द पॉइंट। सो ए पी एंड बी पी डिस्टेंसेज आर सेम, सो वट इज ए पी, ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड बी पी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। एंड ओ पी इज इक्वल टू आर, इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से यानी कॉन्स्टेंट, और माइनस यानी क्यू चार्ज, साथ में डिस्टेंस ए पी, और सेकेंड वाला चार्ज जो है उसका डिस्टेंस कितना है यानी बी पी है, डेट मीन के क्यू अपॉन बी पी। तो वट इज टोटल पोटेंशियल, डेट मीन बी इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू, बी वन का वैल्यू पुट किया, बी टू का वैल्यू पुट किया, दोनों की दोनों सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो वट इज द रिजल्ट, रिजल्ट इज जीरो। तो डेट मीन्स यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन फॉर पी पॉइंट बिकम जीरो। तो डेट इज द डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेहद इजी, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करें, कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें, मेरे चैनल पी के फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।